वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं मसाला सैंडविच, मसाला वेज सैंडविच। ये बहुत यम्मी लगेंगे और किस तरीके से बच्चों को सब्जी खिलाई जाए वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो जिसके लिए मैंने किया है, देखिए लौकी को चॉप कर लिया है। लौकी यानी ये इस तरह का धो के अच्छी तरह से हमने इसको छील कर कट कर लिया है और उसको चॉप कर लिया है। इसमें ये मैंने लिया है करीब 1/4 कप। दो मैंने बड़े टमाटर को चॉप कर लिया है। ये मैंने एक शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है। एक बहुत बड़ा प्याज मैंने चॉप कर लिया है। छोटी गाजर को चॉप किया है। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, नमक है, चिली फ्लेक्स हैं और ये मैं यूज़ करूँगी पाव भाजी मसाला, और साथ में ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। चिली फ्लेक्स आपके तीखेपन के लिए और कश्मीरी कलर के लिए। ये ली हैं हमने होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड के कुछ पीसेस फ्रेश। जितने भी आप सैंडविच बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ही हम डाल रहे हैं इसमें घी। आप चाहें तो इसको बटर भी यूज कर सकते हैं, बटर भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें प्याज। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे, हल्का पिंक होने तक, ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। अब हम थोड़ी देर के बाद ही इसमें डाल देंगे ये लौकी पिसा हुआ, ताकि अच्छे से इसमें गल जाए। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं गलाना है, हमें इसको क्रंची ही रखना है तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम डाल देंगे ये गाजर, मिक्स करेंगे अच्छे से। अदरक डाल देंगे अब हम इसमें, ये ग्रेट किया हुआ अदरक, नमक, और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा इसमें डालेंगे अब हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। कलर के लिए है ये, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज में हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए। अगर बच्चे हैं और तीखा पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी लगेगा इसके बिना भी। 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें चिली फ्लेक्स और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाला है। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भून जाए, और इसी के साथ अच्छी खुशबू आ रही है। हम डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर जो बहुत बारीक हमने चॉप कर लिया है ताकि गलने में टाइम ना लगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसको ढककर पकाऊंगी, इसको कवर करूंगी, और 2 मिनट के लिए बस ये टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें, मैश हो जाएं, और तब तक इसको हम ढककर पकाते हैं। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट। और ये जो आपको ये दिख रहा है ना छोटे छोटे, ये लौकी के पीस हैं, और ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत अच्छे क्रंची, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें लौकी डला हुआ है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इस स्टेज पर अब हम डालेंगे सबसे लास्ट में शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च अगर आप पहले डाल देते हैं तो वो बहुत गली गली हो जाती है, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप फ्रेश डालते हैं। और 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे पकाएंगे अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे,
ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना बढ़िया ये मसाला बनकर तैयार है। अब ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इसको खुला पका लिया है, तो जो एक्सेस में पानी था वो सूख गया है, प्लस ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो आइए इसको साइड में निकाल लेते हैं। ये हमने लिया है ब्रेड का स्लाइस, आप चाहें तो इस पर बटर लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूं। ये देखिए इसको इवनली ऐसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, ताकि हर बाइट में इसका टेस्ट आए, ऐसा ना हो कि कहीं से रह जाए, कहीं से खाली रहे, मतलब कहीं से ना आए फीलिंग। ये देखिए चारों किनारे में अच्छे से फैल गया है ना। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये ब्रेड, और ये हमने तवे पर लगा लिया है घी पहले से ही, और इसके ऊपर हम रख देंगे ये ब्रेड। नॉनस्टिक तवा लें, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको क्रिस्पी होने तक सेकें, ऊपर भी इसके हल्का हल्का घी लगा दें, और अब हम इसको सेकते हैं। इसको हम प्रेस करके ऐसे सेकेंगे, ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जो ब्रेड है वो अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए और क्रिस्पी करना है, हम और क्रिस्पी करेंगे, और चारों तरफ से हम इसको अच्छे से दबाकर सेक लेंगे। दूसरी ब्रेड पर भी हम ऐसे ये सारा मसाला कोट कर लेंगे इसका। ये हमने लगा लिया है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये ब्रेड, और चाहें तो आप चीज स्लाइस रख सकते हैं इसके ऊपर, अगर बच्चों को पसंद है तो, और फिर से इसके ऊपर ब्रेड रख के इसको कवर कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, और इसको सिकने के लिए करते हैं तैयार। बटर, घी, ऑयल जो भी आप पसंद करें लगा सकते हैं, और हम इसको घी की तरफ से नीचे रख देंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपने सैंडविच को। ये देखिए दोनों तरफ से ये क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस साइड भी हम घी लगा लेंगे अच्छे से। और इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए घी कम ज्यादा आप कर सकते हैं, अगर कम घी लगाना है तो कम घी लगा सकते हैं, नॉनस्टिक पर तो वैसे भी कम घी में अच्छे से सिक जाता है। और ये देखिए अब हम इसको भी अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे। तो ये दोनों तरफ से हो गया है क्रिस्पी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए परफेक्ट। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये आप जिस भी शेप में चाहें कट कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं ना आवाज, ये पहले बना हुआ है फिर भी देखिए कितना क्रिस्पी है। और ये देखिए ये हमारा मसाला सैंडविच बनकर तैयार है, बहुत यम्मी लगेगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फुल ऑफ वेजिटेबल्स। दूसरा निकालते हैं, इसको भी हम कट करेंगे। ये दो लेयर में है, जिनको चीज पसंद है ये उनके लिए है। और ये देखिए वाओ, ये देखिए बीच में चीज है, वेजीज हैं, बहुत यम्मी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए है ना ये यम्मी सैंडविच, बनाएंगे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।